रामचरितमानस में ये कहा, जब जब होवे धर्म की हानि, बाढ़े असुर अति अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि नाथ तब सज्जन पीरा, गौ ब्राह्मण हिताय च। ये शब्द आया है कि भगवान अवतार लेते हैं, प्रमुख कार्य कौन सा, कि सबसे पहले गौ का हित, ब्राह्मणों का हित होना चाहिए, सज्जनों का हित होना चाहिए, लेकिन सज्जनों को ताकत कहां से मिलेगी? केवल बाजरा से मिलेगी, केवल गेहूं से मिलेगी? जब भीतर घी समावेश होता है तब अन्न विशेष पौष्टिक बनता है। आजकल डालडा खाते हैं लोग, डालडा को तो डाल दे, मतलब डाल दे नाली में, पेट में नहीं। जयराम जी की, न जाने कितनी तेलों का मिश्रण होता है, कितने केमिकल अंदर पड़ते हैं, वो अशुद्ध चीज है। डालडा का प्रयोग वर्जित है। कुछ लोग एकादशी का व्रत करते हैं, हमारे तो आज एकादशी है, क्या बनाया? बोले साबूदाना की खीर बनाई है, इससे तो रोटी सब्जी खा लो भैया। साबूदाना अशुद्ध से, अशुद्ध चीजों से बनता। तो साबूदाना, तो जब से हमको पता चला 10-12 साल हो गए, हमने छुआ भी नहीं, खाने की तो बात दूर। गावो विश्वस्य मातरः, गावो त्रैलोक्य मातरः। आजकल काउ थेरापी चल पड़ी, विदेशी लोग काउ थेरापी चला रहे हैं, मतलब गौ चिकित्सा। चाहे कैसी भी बीमारी हो, गौ के शरीर के नीचे आधा घंटा लेट जाइए, ऐसा डॉक्टर और वैज्ञानिक लोग बोलते हैं। तो गाय के शरीर से जो ऑरा निकलती है, जो परमाणु निकलते हैं ना, वो बीमार व्यक्ति को भी ठीक कर देते हैं, बिना दवाई के, बिना कैप्सूल के, बिना इंजेक्शन के वो ठीक हो जाता है। अब देख लेना, आप ऐसा प्रयोग करने से पहले जरा देख लेना कि गाय कहीं मारने वाली तो नहीं है, नहीं तो फिर हाथ पैर तोड़ देगी। तो मेरे को मत भूलना कि बाबा की बात हमने मानी ना, हमारा हाथ टूट गया। और सीधी गाय हो कोई, वैसे तो गिर की गाय बहुत अच्छी होती है, हमारे गुजरात में गिरनार है, वहां गिर की गाय बहुत, वो तो शेरों से भी मुकाबला कर लेती है, ऐसा हमको पढ़ने में आता था। जंगल में गाय रहती है और कोई शेर आ गया या बाघ आ गया तो वो गायें चारों ओर खड़ी हो जाती है, बीच में बछड़ों को ला देती है और फिर हमला बोल देती है शेर के ऊपर। जंगल का राजा माना जाता है शेर, उसके ऊपर भी गौ हमला बोल देती है। और आजकल ये रिसर्च कर रहे हैं कि कैसी भी बंजर जमीन हो, जिसमें कुछ नहीं होता हो, ऐसी जमीन को भी गौ का जो विशेष प्रकार से तैयार किया गया खाद है, बढ़िया बना देता है। कि गौ के सींग में गोबर डालकर, गाय कोई मरी जाती है या बैल कोई बूढ़ा होकर मर जाता है, तो उसके सींग को अलग कर देते हैं, उसके अंदर गोबर भर देते हैं और गाड़ देते हैं जमीन के अंदर। 15 दिन 20 दिन 25 दिन में वो तैयार हो जाता है। फिर उसको निकालकर 35 ग्राम खाद 20 लीटर पानी में मिलाते हैं, उसका छिड़काव करते हैं चारों ओर। एक एकड़ जमीन बंजर हो तो वो उपजाऊ हो जाती है। ये यूरिया और रासायनिक खाद ने तो जमीन की सत्यानाश कर दिया, जमीने बांझ होती जा रही है। एक साल डाला, फिर दो साल, दूसरे साल और अधिक डालो, तीसरे साल और अधिक डालो, आखिर जमीन में खेती करने में जितना खर्चा होता है उतनी आमदनी नहीं होती है किसानों को। ये हालत हो गई कहीं कहीं तो।
इसलिए ऐसी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाना हो तो भरपूर गौमूत्र छिड़को, भरपूर देसी गाय का गोबर डालो, लेकिन धरती माता को बांझ होने से बचाओ। पहले के समय में अन्न में और फल में जो मिठास होती थी, आजकल वैसी मिठास नहीं रही। बच्चे वाली माताएं अन्न खाती है तो उनके दूध में जहर हो जाता है, वही दूध बच्चे पीते हैं तो मर जाते हैं, ऐसे केस भी कई जगह सामने आए। तो बोले पॉइजन के कारण बच्चे की मौत हो गई। पॉइजन कहाँ से आया? तो बोले इसके भोजन में आया। बोले भोजन तो करता नहीं है, ये तो माँ का दूध ही पीता है। तो बोले माँ के दूध में पॉइजन आया, वहाँ कहाँ से आया? तो पता चला कि उसने जो अन्न खाया ना, उसमें पॉइजन था। वो पॉइजन कहाँ से आया? तो बोले वो तो यूरिया में से आया। तो पैसा देकर अन्न को दूषित कर रहे हैं हम लोग। इसलिए गौ की सेवा, गाय का दूध पीला होता है, घी पीला होता है, वो सूर्य के तु नाड़ी होती है। वो गौ सूर्य के किरणों में घूमती है, सूर्य के तु नाड़ी के प्रभाव से सूर्य की आरोग्य वर्धक किरणें वो खींचती है और वो अपने दूध में मिक्स करती है। इससे बुद्धि की प्रखरता, नेत्रों की दृष्टि बढ़ती है और सप्त धातु मजबूत होते हैं, 72,000 नाड़ियां ठीक होती है। डॉक्टरों ने हल्ला किया कि गाय का घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फिर अपन ने ये चेक करवाया तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल था उनको हमने बोला खाओ गाय का घी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चेक करवाया तो कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा। किसी कबार कभी कभार किसी केस में किसी का बढ़ गया, उन्होंने नियम बढ़ा दिया। इसलिए गौ का घी, गाय का दूध और भगवान कृष्ण और उनके साथी तो गाय का मक्खन और घी और दही, ये तो चोरी करके खाते थे। बच्चे और बच्चियां, तुमको भी कहीं पड़ा मिले तो छोड़ना मत, भूख लगे तो चाट लेना, खा लेना, कोई चोरी का पाप नहीं लगता। स्टीमर में देसी गायें लाद के विदेश में ले गए कुछ वर्ष पूर्व। विदेशियों ने उनको पाला, बड़ा किया, अच्छी नस्ल तैयार की और हम लोग गौ की सेवा से उपराम हो रहे हैं, गाय का महत्व नहीं समझ। स्वयं भगवान भी गाय के पीछे पीछे जाते हैं, इसलिए उनका नाम गोविंद पड़ा। गाय को पालते थे इसलिए नाम गोपाल पड़ा। ऐसे देश में हमको भी, अब ये बात मैं बंबई में कह दूं तो उन लोगों के बस की नहीं है कि वे लोग गाय पाले, वो तो फ्लैटों में रहते हैं। पैसा तो है लेकिन शुद्ध अन्न नहीं है, पैसा तो है शुद्ध हवामान नहीं है। बंबई में, दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में रहने वालों की अपेक्षा गांव में रहने वाले ज्यादा फायदे में है, ये भूलना मत आप लोग। पैसे से अन्न मिल सकता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिल सकता, पैसे से मकान मिल सकता है लेकिन पैसे से मन की शांति नहीं मिल सकती। तो मन की शांति चाहिए तो सत्संग में जाइए, मन की शांति चाहिए तो भगवान का नाम स्मरण कीजिए, मन की शांति चाहिए तो भगवान का ध्यान कीजिए। ध्यान, योग, प्राणायाम आदि को तो अपने जीवन का अंग बना लो कि सुबह 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इतना हम भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सुमिरन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। जीवन में कण और क्षण का महत्व समझना चाहिए, अमूल्य है जीवन और मनुष्य का। एक एक पल, एक एक क्षण अमूल्य है, बीता हुआ समय वापस नहीं आता। धन वापस मिल जाता है, गया हुआ धन फिर कमा लेते हैं।
जमीन भी ले लेते हैं, मकान भी बना लेते हैं, लेकिन बीता हुआ समय नहीं मिलता। आप समय देकर अपने कॉन्टेक्ट बढ़ा सकते हैं, समय देकर चीज वस्तुएं पा सकते हैं, समय देकर देश विदेश घूम सकते हैं, समय देकर लाखों करोड़ों रुपया कमा भी सकते हैं, लेकिन सारा का सारा पैसा, सारा का सारा कॉन्टेक्ट, सारी की सारी सुविधाएं, सारी की सारी योग्यता, सारी की सारी बुद्धि और अधिकार, इन सब को दांव पे लगा दो तो बदले में आप समय नहीं पा सकते। तो ऐसा आपका अमूल्य समय है, जो अमूल्य समय को अमूल्य परमात्मा को पाने में और अमूल्य परमात्मा के कार्य में लगाता है, उसका जीवन भी अमूल्य हो जाता है, महान हो जाता है। जो इधर उधर की फालतू बातें करते रहते हैं, फालतू समय बर्बाद करते रहते हैं, जो समय को बर्बाद करता है वो मानो अपने जीवन को बर्बाद करता है। तो सत्संग में ऐसी दिव्य दिव्य बातें सीखने को मिलती है, जो एक बात भी मनुष्य पकड़ ले तो कहीं पहुंच जाए। Thank you.